हेलो, मैं एसपी कासगंज अपर्णा रजत कौशिक बात कर रही हूँ। यह बोल असली एसपी कासगंज के नहीं बल्कि फर्जी एसपी के है। फर्जी एसपी ने खेरागढ़ के दो व्यापारी को हिरासत में लेने के लिए इंस्पेक्टर को बोल दिया। उसके बाद तुरंत इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ पहुंच गए और दोनों कारोबारियों को थाने ले आए। जब सच्चाई सामने आई तो असली पुलिस भी शक में पड़ गई। अब कारोबारियों ने पैसे मांगते हुए फर्जी महिला एसपी की रिकॉर्डिंग सुना दी। अब रिकॉर्डिंग सुनकर इंस्पेक्टर साहब भी हैरत में पड़ गए। दोनों कारोबारियों ने मिलकर थाना खेरागढ़ पुलिस को तहरीर दी है। हेलो मैम जी, हाँ बोलिए। बताइए मैम, मैंने तो कुछ किया नहीं है मैम। ठीक है, आपने किया है नहीं किया है ये चीज मैं मान सकती हूँ, लेकिन आप खुद जानते हैं कोर्ट भी कानून केस भी उसके आधार पे चलता है, प्रूफ के आधार पे। आप लोगों के प्रश्न पूरे प्रूफ है, है ना। अगर आप नहीं चाहते कि आप कोर्ट के कचहरी के चक्कर लगाएं, आपका भाई लगाए बार बार परेशान हो, तो कोई छोटा मोटा केस होता, अगर चोरी चमारी का होता तो मैं आपको ऐसे ही छोड़ देती कि चलो कोई बात नहीं, गलती करता है, सबसे हो जाती है, हम पे भी होती है गलती, है ना। मैं अपना भाई, मेरे को चाहे तुम बड़ा भाई बड़े बहन मान लो, चाहे मैं आपको भाई मान लो, मैं एक लेडीज होने के नाते जो औरत में एक कर्तव्य होता है मैं उसके नाते समझा रही हूँ, और मेरी 2 साल की एक बेटी है मैं उसके तक का समझा रही हूँ। अगर एक बार इस केस के चक्कर में पड़ गए तो 6 महीने तो तुम्हारी जमानत तक नहीं है। इसलिए मैंने थाने चला के तुमको देख रहे थे कि ऐसे ऐसे तुमको बिठाने जा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि उनको अभी छोड़िए। मैम मैं भाई की बात कर रही हूँ। जी हाँ करें। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्ते मैम। जी हाँ नमस्कार। जी हाँ बोलिए। जी मैडम, सही बात तो ये मैडम, हमने बिल्कुल कोई एक परसेंट भी, आप एक काम करिए, पहले तो किसी जियो नंबर से आप मेरे को कॉल करें। जियो नंबर को मेरे को जियो से कॉल करें, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे में। हमारी तमाम माहिती थी, अपडेट रहवा माटे जोड़ायेला रहो S9 न्यूज साथे।